हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंटेंसेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। इधर आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। जैसे बेटा हमने बायो सेवर्ट लॉ यूज किया था, उससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए थे, ऐसे बेटा यहाँ पर अब हमें डिस्कस करना है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। ये बेटा लॉ क्या कहता है, जैसे हमारे पास बेटा ये कोई स्ट्रेट वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसके चारों तरफ बेटा हमने एक लूप एज्यूम किया हुआ है। इस लूप की रेडियस बेटा आर है। अब मैं अगर बात करूं इस लूप पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ कि बेटा अगर हम राइट हैंड के थंब के अलोंग करंट रखें तो बेटा जो फिंगर कर्ल कर रही होती है वो किसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो बेटा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूमेंगी तो बेटा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां रहा होगा, आउटवर्ड। बी वेक्टर बेटा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब अगर इसका हम एक छोटा सा एलिमेंट लू बेटा लूप का, तो वो डीएल वेक्टर भी कहां होगा, अलोंग टेंजेंट होगा, बाहर की तरफ ही होगा डीएल वेक्टर। तो इस तरह से बेटा दोनों के बीच का एंगल क्या निकल कर आया, 0 डिग्री। अब बेटा ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या कहता है वो समझो पहले। अगर बेटा मैं लूप पर हर छोटे छोटे एलिमेंट के लिए बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर करूं, इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का एंड जो एलिमेंट्स हैं उनकी लेंथ का बेटा मैं जो डीएल वेक्टर है उनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं और पूरे लूप पर बेटा उसे ऐड कर दूं, पूरे लूप का क्लोज लूप पर, तो ये क्या मिला हमें, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। बेटा इसी को हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहां पे डीएल क्या है, लाइन के लिए आ रहा है, लेंथ के लिए आ रहा है, तो ये कहलाता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप। तो बेटा इस लॉ के अकॉर्डिंग ये इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड, इट मींस इस लूप में से जितना भी करंट पास हो रहा है, जितना करंट इस लूप ने एनक्लोज कर रखा है, उसके म्यू नॉट टाइम्स के बराबर होता है बेटा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टेटमेंट क्या हुआ इसका कंप्लीट, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप रिमेन्स इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। और बेटा म्यू नॉट यहां पे क्या बता रहा है मैं, वैक्यूम की परमेबिलिटी। तो अगर मैं बेटा इसका स्टेटमेंट लिखूं तो क्या होगा, According to it, the line integral of magnetic field over a closed loop in vacuum remains इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करेंट पासिंग थ्रू दिस लूप। ओके बेटा, सो क्या बना स्टेटमेंट, सो क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड। बट ऐसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब ऐसे प्रूफ करते हैं, यहां पर बेटा हमने स्ट्रेट वायर के चारों तरफ बेटा लूप ले रखा है जिसकी रेडियस क्या है, आर है। तो प्रूफ, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर अराउंड स्ट्रेट वायर कैरिंग करेंट आई, देन मैग्नेटिक फील्ड ऑन लूप। बेटा लूप पर कितना फील्ड पहुंच रहा होगा, हमने पढ़ा था बेटा स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता था वो कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। बेटा यहां पे वायर हम एज इनफाइनाइट लेंगे क्योंकि हमने इसकी लेंथ के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया। नाउ बेटा क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर निकालते हैं। आपने देखा बेटा बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, यहां पर एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो बी डीएल
कॉस 0 डिग्री। अब बेटा मैं वी की वैल्यू पुट कर रहा हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr इंटू डी एल। बेटा यहां से म्यू नॉट आई अपॉन 2πr बाहर, इंटीग्रेशन बेटा क्या रहेगा डी एल। आगे से सॉल्व करते हैं, इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। बेटा ये देखो क्लोज इंटीग्रेशन डीएल हमें क्या बता रहा है, जिस लूप पर बेटा डीएल है उस लूप पर सारे इस टाइप के एलिमेंट की लेंथ का सम। तो अगर बेटा लूप पर सारे एलिमेंट लूं और सबको ऐड कर दूं तो क्या मिलेगी मुझे, उस लूप की सरकमफेरेंस। तो बेटा ये क्या निकल कर आएगा 2πr, 2πr से 2πr कैंसिल, तो क्या मिला बेटा म्यू नॉट आई। सो हम कह सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन बी वैक्टर डॉट डीएल वैक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई। बेटा यहाँ पे ये आई है वो क्या है, करेंट पासिंग थ्रू द लूप या करेंट एनक्लोज बाय द लूप। हियर आई इज द करेंट एनक्लोज बाय द लूप। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा दो क्वेश्चंस को देखते हैं। बेटा यहां पे हमें ये बता रखा है कि एक लूप है, इसमें से बेटा देखो 6 एम्पियर का करंट बाहर आ रहा है, 2 एम्पियर का करंट अंदर जा रहा है, 3 एम्पियर का करंट बाहर आ रहा है एंड 1 एम्पियर का करंट अंदर जा रहा है। बेटा जरा ध्यान से सोचो, जो करंट बेटा बाहर आ रहा है अगर उसके लिए मैं बात करूं इस लूप पर मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा कुछ ऐसे होगा कि नहीं। तो इसके लिए फील्ड बेटा अगर अपर पॉइंट क्यू देखूं तो किधर को जनरेट हो रहा होगा, इधर। यहां पे कहां जनरेट हो रहा होगा, नीचे जनरेट हो रहा होगा, है ना। ऐसे बेटा 3 एम्पियर के लिए हो रहा होगा इसी टाइप से, लेकिन बेटा 2 के लिए जस्ट अपोजिट ऐसे, यहां पे ऐसे। तो आप देख रहे हो जो करंट आउटवर्ड था बेटा उसके लिए तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर हम सॉल्व कर रहे थे, तो बेटा इस तरह से उसका पैटर्न था मैग्नेटिक फील्ड का। और बेटा जो करंट अंदर है उसके लिए जस्ट अपोजिट है, इट मींस जो फील्ड बेटा यहां से जनरेट हो रहा है ये उसका अपोज करके कम करने की कोशिश कर रहा है। इट मींस एक तो बी वेक्टर डॉट बी डीएल वेक्टर को बेटा बढ़ा रहा है और एक क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो इसलिए बेटा यहां पे करंट हमारे लिए पॉजिटिव नेगेटिव की तरह बिहेव कर रहे हैं। हालांकि करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, बट यहां हम ये देख रहे हैं कि एक करंट तो बेटा फील्ड को एक तरफ बना रहा है और दूसरा करंट फील्ड को अपोजिट बना रहा है, इट मींस अपोज कर रहा है एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो बेटा इसलिए यहां पे हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव डील कर रहे हैं और एक को बेटा नेगेटिव मान रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आउटवर्ड को एज ए पॉजिटिव करंट ले रहा हूं और बेटा इनवर्ड को नेगेटिव करंट ले रहा हूं। इसमें हमसे एक्चुअल में क्या पूछा था, फाइंड क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बेटा ये हमको फाइंड आउट करना था बेटा सॉल्यूशन। तो पहला हमारा टारगेट क्या है बेटा, कि जो हमने लूप ले रखा है उस लूप के अंदर बेटा टोटल कितना करंट एनक्लोज हो रहा है। बाहर वाले करंट से बेटा हमें कोई मतलब नहीं है, 5 से 7 से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब देखो 6 एम्पियर बेटा बाहर था, मैंने पॉजिटिव लिया, 2 एम्पियर अंदर है मैंने नेगेटिव लिया, 3 एम्पियर बाहर है पॉजिटिव लिया, और इसके बाद बेटा 1 एम्पियर अंदर है कैसा लिया बेटा, मैंने नेगेटिव लिया। तो क्या बच्चा 6 और 3 9 9 में से 3 जाएंगे तो बेटा 6 एम्पियर आया। सो हम कह सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, हम जानते थे एसीएल से म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड, बेटा म्यू नॉट कितना होता है 4π × 10⁻⁷ और आई एनक्लोज बेटा 6 है, तो कितना आया 24π × 10⁻⁷। बेटा इसकी यूनिट देखो, क्योंकि आपको पता है ये तो टेस्ला और साथ में कौन है मीटर, टेस्ला मीटर। अब बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें यहां पे करंट बेटा इधर की तरफ है, देखो जो करंट इधर है उसके लिए फील्ड कहां आएगा, ऊपर की तरफ बाहर और नीचे की तरफ अंदर। तो बेटा यहां डायरेक्शन बाहर होगी, यहां डायरेक्शन अंदर। अब बेटा जो करंट इधर जा रहा है उसके लिए यहां डायरेक्शन अंदर, यहां डायरेक्शन बाहर, तो देख रहे हो जस्ट अपोजिट है। इट मींस ये जो फील्ड बना रहा है ये उसको कम कर रहा है। तो ओवरऑल बेटा क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की वैल्यू इससे अगर बढ़ रही है तो इससे कम हो रही है। तो इसलिए बेटा यहां पे हम एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव, तो मैं इधर वाले को राइट वाले को पॉजिटिव ले रहा हूं, लेफ्ट वाले को नेगेटिव। तो बेटा यहां पर भी हमसे क्या पूछा था, फाइंड क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। तो बेटा इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, पहले हमारा टारगेट है कि आई एनक्लोज कितना है। तो देखो इधर के करंट को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो 4 एम्पियर पॉजिटिव, बेटा 3 एम्पियर लेफ्ट में है नेगेटिव, 2 एम्पियर नेगेटिव, बेटा 7 एम्पियर पॉजिटिव। तो कितना होगा 7 × 4 = 11 में से बेटा 5 गए तो 6 एम्पियर। सो क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड, बेटा म्यू नॉट कितना था 4π × 10⁻⁷ और बेटा आई एनक्लोज 6 है, बेटा ये भी कितना निकल कर आया 24 × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक है
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कैरिंग अ करेंट आई यूजिंग ACL। बेटा हमने एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग बाय और सेवर्ट लॉ, याद होगा उसमें बहुत ज्यादा हमने कैलकुलेशन यूज करी थी। अब देखना बेटा हम ACL के हेल्प से इसको बहुत आसानी से फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे बेटा, देखो आपने एक स्ट्रेट वायर ले रखा है बेटा, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, इसके चारों तरफ बेटा मैंने एक R रेडियस का लूप लिया, R रेडियस का, ओके। यहां पर आप जानते बेटा अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, बाहर की तरफ होगा। बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, बेटा जो एलिमेंट लेंगे हम स्मॉल एलिमेंट वो भी कहां होगा, बाहर की तरफ ही होगा इस लूप का। और बेटा एंगल कितना बना यहां पर, जीरो, ओके। तो बेटा यही माना, लेट अ लूप, कैसा लूप है, सर्कुलर, लेट अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉल आर अराउंड स्ट्रेट वायर कैरिंग करेंट आई, ओके स्टूडेंट्स। देन तो बेटा हम यहां पे अगर देखें कि बताओ आई एनक्लोज कितना होगा, तो इसके चारों तरफ है ना ये लूप वायर के, तो बेटा कितना करंट एनक्लोज कर रहा है ये आई। अब बेटा मैं ACL यूज कर रहा हूं, ACL के अकॉर्डिंग हम जानते हैं क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर ओवर दिस क्लोज लूप, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज। तो बेटा दोनों में कितना एंगल बन रहा था यहां पर, जीरो डिग्री। क्लोज इंटीग्रेशन BDL cos 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ बेटा आई एनक्लोज कितना है यहां पे, आई है, बी बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन DL इक्वल टू म्यू नॉट आई। बेटा बताओ ये क्लोज इंटीग्रेशन DL क्या होगा, एक्चुअल में ये स्मॉल एलिमेंट है लूप का, ठीक है। तो अगर बेटा मैं इस टाइप से लूप पर सारे स्मॉल एलिमेंट का सम कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इस पूरे लूप की सर्कमफेरेंस। तो बेटा ये एक्चुअल में लूप की सर्कमफेरेंस बन गई 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो बेटा आंसर बी क्या मिला, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो बेटा आपने देखा इस वायर से आर डिस्टेंस पर लूप मौजूद है, तो बेटा आर डिस्टेंस पर फील्ड कितना है ये निकल कर आ रहा है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमने बाय और सेवर्ट लॉसेस को निकालने के लिए बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ी है, मैं काफी मैथमेटिकल टूल्स भी आए उसमें, लेकिन बेटा यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है, इजीली हमने सॉल्व कर दिया, ओके स्टूडेंट्स। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।